नहीं थी, जो वहां कोई पांडे एक एसडीओ है, उस एसडीओ की पूरी जांच होनी चाहिए, उसकी भूमिका संदिग्ध है। आप इसको आप समझिए, किसी ने उसका आया नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया, इन्होंने कानून संबद्ध तरीके से काम नहीं किया है। सरकार संवेदनशील है, सरकार छोड़ेगी नहीं। कटिहार के बारसोई में विद्युत आपूर्ति की मांग को लेकर पुलिस और जनता के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में एक की मौत हुई है जबकि दो गंभीर रूप से जख्मी हैं। कटिहार के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार के अनुसार फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हुई है जबकि दो गंभीर रूप से जख्मी हैं। वहीं पुलिस की फायरिंग में कई लोगों को गोली लग गई जिससे एक की मौके पर मौत हो गई। वहीं इस पर पप्पू यादव का बयान सामने आया है, उन्होंने इस पूरे कांड में एसडीओ की भूमिका को संदिग्ध बताया है, आप भी सुनिए। देखिए, एक तो पहले भी मैं स्मार्ट मीटर को लेकर के सवाल खड़ा उठता रहा है कि स्मार्ट मीटर ये बोझ सब बनता जा रहा है, ये आम आदमी स्मार्ट मीटर को लेकर के बहुत परेशान, बल्ब जली नहीं, बल्ब डीम जली, पंखा चलता नहीं है, एक दो हम भोचर भराते हैं और भोचर खत्म हो जाता है। एक तो यह सवाल बड़ा कॉमन आदमी के लिए परेशान होता जा रहा है। दूसरा सवाल है कि बिजली इधर 6 महीने से लगातार कहीं भी देखिए बिजली की पूरी कटौती हो रही है, पूरा आपको समझिए कि 6-7 घंटा बिजली नहीं रहता, 8 घंटा बिजली नहीं रहती है, शहर में 5-4 घंटा बिजली नहीं रहती है। तो बिजली के मुद्दों को लेकर के पहले से ही बारसोई में यह घोषणा की गई थी कि हम इस राइट्स को लेकर के हम प्रदर्शन करेंगे। तो जब मुद्दों को लेकर के बहुत सारे इसमें जनप्रतिनिधि, मुखिया, इसमें सभी लोग लेकर के घोषणा किए थे, तो फिर मैं जानना चाहता हूं कि यहां के जो पदाधिकारी हैं वो पहले से क्या कारण था कि आंसू गैस पानी की बुछार से लेके पूरी तैयारी नहीं थी। जो वहां कोई पांडे एक एसडीओ हैं, उस एसडीओ की पूरी जांच होनी चाहिए, उसकी भूमिका संदिग्ध है। आप इसको आप समझिए, किसी ने उसका आया नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया, आप पैसेंस रखते? अब हमारे पदाधिकारी बोल रहे हैं कि जिसने उसका आया उस पर एफआईआर करेंगे, उसको ढूंढ रहे हैं। मतलब है कि सुरसुर और मुरमुर, मतलब शीशे के घर में रह करके हमेशा पदाधिकारी पत्थर चलाते हैं। अब दोष पब्लिक का दिया जा रहा है, आपने कोई आंसू गैस नहीं चलाया, कोई पानी नहीं चलाई, कोई लाठी, उसके बाद आपने सीधा फायर कमर के नीचे नहीं करके कमर के ऊपर, सीने और माथा में कर रहे हैं आप। ये जो यहाँ के बिल्कुल जो निरंकुश पदाधिकारी बिहार में लगभग हो चुके हैं, पूरी की पूरी हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश इन पदाधिकारियों की है। वही प्रशासन का कहना है कि लगभग 1000 की संख्या में स्थानीय नागरिकों द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया। पुलिस टीम पर भई उग्र असामाजिक तत्वों ने पत्थर और लाठी से जानलेवा हमला किया है। चेतावनी देने के बाद भी जब भीड़ नियंत्रित नहीं हुई तो पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।